नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? नाउ इन अवर लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड विथ चैप्टर नंबर 6, दैट इज रियाज जर्नी। आई हैव टोल्ड यू दैट सिंस चैप्टर 8 अप टू 8 चैप्टर, राइट, इफ यू कैन एबल टू सी अप टू 8 चैप्टर, इट इज द कंटिन्यूएशन स्टोरी ऑफ द रिया। रिया की कंटिन्यूएशन स्टोरी है। अगर आप कंटेंट में देखो तो रिया रीच अंकल्स होम, यानी कि 8 चैप्टर तक हम रिया के बारे में ही पढ़ने वाले थे, है राइट। नाउ रियाज जर्नी में हमने देखा कि वो कहां तक पहुंची थी, नडियाड। नाउ लेट सी अहेड इन चैप्टर नंबर 7 व्हाट हैपेंस। नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग। आई वोक अप, मैं उठ गई। अवर ट्रेन हॉल्टेड एट सम प्लेटफॉर्म्स। हॉल्टेड यानी कि रुक, कई कई प्लेटफॉर्म्स पे वो रुकी थी, राइट। मैं यहां पे इंपॉर्टेंस वर्ड्स लिख रही हूं, आपको उसके मीनिंग्स मैं बताऊंगी, पर आपको अभी फाइंड आउट करना है। नाउ आई सैट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। अब मैं वहां पे बैठ के क्या करने लगी, विंडो के बाहर देखने लगी। देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल। क्या था वहां पे, एक क्लॉक थी, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म में एक क्लॉक ऐसे हैंगिंग होती है, राइट। सो उसने क्या देखा, एक क्लॉक देखी। 5 o'clock इन द मॉर्निंग। कितने बजे थे अब वो, 5 o'clock थे, राइट। कितने बजे थे, सुबह के 5 बजे, इन द मॉर्निंग। बिसाइड इट ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन वॉज रिटन इन द सर्कल्ड बोर्ड। अब बिसाइड इट यानी कि क्लॉक के पीछे क्या लिखा था, क्लॉक के पीछे वडोदरा जंक्शन लिखा था। सो वो नडियाद से कहां पहुंचे, वडोदरा जंक्शन लिखा था, राइट। सो वो कहां पे पहुंचे थे, वडोदरा जंक्शन में पहुंचे थे, वो क्लॉक के पीछे लिखा था। माय ब्रदर वॉज स्टिल स्लीपिंग, राइट। उसका जो भाई था वो अभी भी सो रहा था। नाउ there was an instruction on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi, Mumbai will be 2 hours late. यानी कि वहां पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी वडोदरा जंक्शन में, राइट। कहां पे, वडोदरा जंक्शन में एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि ट्रेन्स रनिंग बिटवीन, यानी कि जो ट्रेन्स जो मूव कर रही है बिटवीन क्या, वडोदरा, सूरत, देन वलसाड, वापी एंड मुंबई, वो जो ट्रेन्स है वो 2 घंटे लेट है, 2 hours लेट, राइट। नाउ फादर सेड ब्रश योर टीथ मीन वाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू। तब उन्होंने, उनके पापा ने बोला कि अब तो ट्रेन कितने घंटे लेट है, 2 hours लेट है। तो रिया के पापा ने बोला कि रिया, यू जस्ट ब्रश योर टीथ एंड आई विल गेट अ कप ऑफ टी फॉर यू। वी कंप्लीटेड ऑल मॉर्निंग एक्टिविटीज। हमारी जो मॉर्निंग एक्टिविटीज है, ब्रश करना, नहा तो नहीं सकते हैं, ब्रश करना, अच्छे से गेट रेडी होना, टॉयलेट जाना, सो वो सारी एक्टिव मॉर्निंग एक्टिविटीज थी, वो उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। एट दैट टाइम फादर केम विथ टी एंड मदर टुक आउट थेपला, खाखरा एंड बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब जैसे ही फादर यानी कि रिया के पापा जो थे वो चाय लेके आए, तब मम्मा ने क्या निकाला, थेपला, राइट, भाखरी देन बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट, राइट। उन्होंने क्या निकाला, थेपला, भाखरी एंड बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट। व्हेन वी कंप्लीटेड अवर ब्रेकफास्ट इट वाज डे टाइम। अब जैसे ही उनका ये जो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हुआ, राइट, तब क्या हुआ था, डे टाइम हो चुका था, यानी कि उनका टाइम हो चुका था दिन का। स्टिल देयर वाज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट। पर अभी भी अब ट्रेन तो 2 hours लेट थी, राइट, कितने आवर्स लेट थी, 2 hours लेट थी। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, देन मॉर्निंग एक्टिविटीज कर ली, राइट।
फिर भी उनके पास अभी भी टाइम था, राइट? ये सब कुछ करने के बाद भी उनके पास टाइम था. फादर सेड कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज ऑफ द रेलवे स्टेशन. अब पापा ने क्या बोला कि अभी भी टाइम तो है क्योंकि ट्रेन क्या है 2 hours लेट है, राइट? सो पापा ने बोला कि लेट मी शो यू द रेलवे फैसिलिटी, राइट? रेलवे की जो फैसिलिटीज होती है वो मैं बताता हूं, ऐसे पापा ने बोला. माय ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन. मेरे पापा के साथ मेरा ब्रदर एंड मैं दोनों ही हम चलने लगे. फादर शोड अस द फैसिलिटीज लाइक. अब रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है वो हमारे पापा ने बताया, जैसे कि टिकट विंडो, राइट? पहली क्या होती है, टिकट विंडो, वो पापा ने बताई. देन टिकट चेकर्स रूम, टिकट चेकर की जो रूम होती है वो भी बताया, दिखाया, राइट? रिया के पापा ने उन दोनों को. देन वेटिंग रूम, और क्या बताया, वेटिंग रूम, और क्या था वेटिंग रूम के बाद, पार्सल रूम, राइट? वहां पे पार्सल रूम भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम ही जाते हैं. देन टॉयलेट्स दिखाए, राइट? देन बाथरूम फैसिलिटीज, देन ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी थी, राइट? कैंटीन था, कैंटीन, देन ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो बताया, राइट? तो रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है, टिकट विंडो, टिकट चेकर्स रूम, कैंटीन, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज प्लेटफॉर्म पे थी. नाउ वी सो मेनी ट्रेन्स एट द स्टेशंस फ्रॉम द ब्रिज व्हिच वाज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. अब आपको पता है रेलवे स्टेशन में ऐसे ब्रिज होते हैं, राइट? ऐसे ब्रिजेस होते हैं जो हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, राइट? तो उन्होंने वो ब्रिज भी देखा. ऐसे पता है नीचे ट्रेन चलती है, हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में उतरते हैं, और ये स्पेशली यूज टू सी इन जंक्शंस, जंक्शंस में ये देखे जाते हैं, राइट? नाउ वी सॉ द रेलवे स्टाफ पोरिंग वाटर फॉर कैरेजेस एंड क्लीनिंग द ट्रेन. अब उन्होंने क्या देखा कि ट्रेन को भी क्लीन किया जाता है, वाटर स्टफ पोरिंग कैरेजेस, यानी कि जो उनके डब्बे होते हैं वहां पे पानी जो है वो रिफिल किया जाता है. सम स्वीपर्स वर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स. इवन वो पता है बहुत सारे रॉक्स बड़े बड़े अगर आ जाते हैं, देन व्हाट द स्वीपर्स यूज टू डू, द स्वीपर्स यूज टू क्लीन द रेलवे ट्रैक, राइट? वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग अवर विजिट द स्टेशन, राइट? नाउ क्या हुआ कि उनको पता ही नहीं चला कि वो जब वो प्लेटफॉर्म देख रहे थे, ये सारे देख रहे थे फैसिलिटीज ऑन ऑल दिस थिंग, तो टाइम कहाँ चल गया. आई कम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटीज, राइट? नाउ उनको, रिया को रेलवे की फैसिलिटीज के बारे में जब उसने देखा लाइव, तब उसको पता चला कि ओ माई गॉड, रेलवे हैज गॉट सच फैसिलिटीज, राइट? नाउ इनडीड इट वॉज एंजॉयबल, यानी कि एंड ऑफ द डे वो बहुत ही एंजॉयबल था. आई टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज ऑफ सम फैसिलिटीज फ्रॉम माई फादर मोबाइल. अब रिया ने क्या किया, रिया ने पिक्चर लिए, राइट? किसके, ये जो उसने देखा, रेन, टिकट विंडोज, टिकट चेकर्स रूम, कैंटीन, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर. सो इन सारे उसने पिक्चर्स लिए ताकि वो जब भी जिया को बताए तब वो बता सकती है कि मैंने ये सारे देखे थे. ब्रिज के फोटो लिए, ब्रिज यानी कि रेलवे ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग होता है वो, राइट? सो आई होप यहां तक सबको पता चल गया. Try to answer the question, that is, think, why would Riya's train be 2 hours late from Vadodara? अब आपको सोचना है कि रिया की ट्रेन 2 घंटे क्यों लेट थी वडोदरा से. Which place did Riya visit at the station? अब स्टेशन में कौन कौन से प्लेस विजिट किए, तो ये सारे रहे, राइट? सो आई होप यू कैन बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. एक हिंट दे देती हूं
दैट इज फॉर द क्वेश्चन थिंक व्हाई वुड रिया'स ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम वडोदरा. तो ऐसा हो सकता है कि ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम हो, राइट right? ऐसी हो सकती है कि अगली ट्रेन ही लेट है, तो इसके हिसाब से रिया की ट्रेन भी लेट होगी. सो देर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड द लेट ऑफ द ट्रेन, राइट. आई होप यहां सबको पता चल गया है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.